आपके साथ आशीष अरुण, आप देख रहे हैं वेब न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि आज तेजस्वी यादव नामांकन करेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से, जो कि मुख्यमंत्री कैंडिडेट हैं महागठबंधन की ओर से। तो तेजस्वी यादव आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। जैसा कि हम आपको ये तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर में माँ का आशीर्वाद, भाई का आशीर्वाद, माँ दही खिलाते हुए भाई का आशीर्वाद लेकर के तेजस्वी यादव रवाना हो चुके हैं, कुछ ही देर में नामांकन करेंगे। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि तेजस्वी यादव आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करेंगे। देखिए किस प्रकार से भाई का आशीर्वाद, बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद लेकर, माँ का आशीर्वाद लेकर के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन भरेंगे आज। जय तेज प्रताप यादव ने कल मंगलवार दिन को नामांकन किया। वो कहे जाते हैं कि मंगलवार दिन इसलिए चूज किया कि वो हनुमान भक्त माने जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, इसलिए मंगलवार दिन उन्होंने अच्छा चुना और आज बुधवार का दिन तेजस्वी यादव ने चुना। तो 14 अक्टूबर आज है जिसमें तेजस्वी यादव को लेना है नामांकन। आज राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन लेंगे और आज से तकरीबन 26 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा तो देखना बड़ी बात होगी कि कौन इस बार मुख्यमंत्री का अच्छे मुख्यमंत्री बन पाता है, या तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज जो नामांकन ले रहे हैं, आज का दिन है बुधवार, तो अगले दिन जो 10 नवंबर को होगा उस दिन कौन मुख्यमंत्री बनेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। आज हमारे बड़े भाई प्रताप यादव जी का नामांकन रहा, पूरा हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी, हसनपुर की महान जनता इनको विजय बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी हसनपुर मतदाताओं से, समस्तीपुर जिला, खगड़िया और बिहार के सभी हमारी महान जनता से इतना हम कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिले, हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने 15 साल तक भुखमरी को खत्म नहीं किया, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, गरीबी को खत्म नहीं किया, पलायन को नहीं रोक सके, कोई कारखाना तक नहीं खुला, अपराध चरम सीमा पर चली गई, 60-60 घोटाले हुए, मनोज सरकार ने खुद स्वयं माना, दोषियों पे किसी पे कार्रवाई नहीं किया गया, मजदूर किसान का शोषण किया गया और यही सरकार ने अपने ही बिहार के गरीब मजदूरों को, जो कर्मवीर लोग थे, उनका अपने ही घर आने से रोकने का काम किया, आने के बाद अपमानित किया गया और बेरोजगारी दर जो है 46.6 बिहार का पहुंच चुका है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार ही कहीं है तो वो बिहार है। नौजवान से लेकर के सभी लोगों पर सरकार ने, जिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, मांग की, गुजारिश की, उस पर लाठी डंडे इन लोगों ने बरसाने का काम किया। 15 साल इन्होंने धोखा दिया बिहार की जनता को। 4 साल में 4 सरकारें बनाई गई, आप याद कीजिए, जहां 4 साल में 4 सरकारें बनी थी वहां विकास संभव नहीं, ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है, कभी इधर कभी उधर करके अपने कुर्सी के मुंह में बिहार के जनादेश का अपमान करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम लोगों ने विकल्प दिया है, बिहार की जनता हमसे कह रही है, हम उनकी बात को सुन रहे हैं और हम उनके लिए काम करेंगे। एक बात स्पष्ट है, हमारी सरकार बनने जा रही है, 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है और पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, जो पहला कलम मेरा अगर चलेगा तो 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, 28 सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र की है। आज
तो बड़े नामांकन यहां पर भी मोहतीनगर विधानसभा क्षेत्र में होंगे। राजद के प्रत्याशी श्रीमती अजय यादव मोहतीनगर विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिला करेंगे। वहीं बीजेपी के तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश सिंह भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। जो तस्वीर हमारे पास अभी तक निकल कर नहीं आई है, लेकिन यही है जानकारी कि अभी राजेश सिंह और श्रीमती अजय यादव जी आज नामांकन करने के लिए पटोरी अनुमंडल पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद आज वो नामांकन का प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद लगातार चुनाव प्रचार में एकदम लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 नवंबर को चुनाव है, जो दूसरे फेज के अंतर्गत चुनाव होने हैं उसमें यहाँ पर चुनाव है। अब बात करते हैं कल यानी कि जो मंगलवार के दिन हुए सभा में नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा, तो आइए पहले इस वीडियो को देख लेते, उसके बाद हम बात करेंगे। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आ रही है बनेगी, तो कश्मीर से बिहार पर ताली को हम सफाया कर रहे हो, बिहार की धरती पर पना नहीं लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे राज्य में सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम हार नहीं देंगे। यानी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा, वह किसी प्रकार का समझौता कर सकता है सत्ता का जरूर। हम तलवार से भी लड़ते हैं तो हाथ से भी लड़ते हैं, हथियार से भी हमारी देश की सेना हमारा की सुरक्षा करती है, तो हाथ से भी इसी बाबा की सुरक्षा करती है। हथियार चलाने की बाबा से लड़ती दोनों के संघर्ष के अंदर, तो हाथ हथियार बनाकर चीन को छत्ता छत्ता है अभी अभी देश की सेना कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने देख लिया किस प्रकार से राजद को आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए नित्यानंद राय। राजद को नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राजद यादव का पार्टी है, यादवों का पार्टी, इसमें यादवों का ज्यादा वर्चस्व रहता है, यादव के ज्यादा प्रत्याशी होते हैं। तो सीधा सीधा आरोप है नित्यानंद राय का कि जो भी यादव हैं, जो आरजेडी में जो भी यादव हैं या बिहार के, वो सभी यादव को आतंकवादी बता रहे हैं। क्या यह सही है? नित्यानंद राय की मानसिकता क्या सही है कि उन्होंने एक यादव कैंडिडेट को या आरजेडी को पूरे को आतंकवादी घोषित करने में लगे हुए हैं? उनका कहना है कि कश्मीर में जो आतंकवादी पनप रहे हैं, अगर आरजेडी जीत गई तो बिहार में पनपेगी। तो कैसा यह आरोप है कि सारे आरजेडी वाले आतंकवादी हैं, सारे नक्सलवादी हैं? इस प्रकार से जो नित्यानंद राय लगातार कल भाषणों में जिक्र कर रहे हैं, तो उनसे यही साबित हो रहा है कि जो यादव लोग हैं वह सिर्फ आतंकवादी हैं, कश्मीर में जो बसे लोग हैं उनको शरणार्थी हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, खुद नित्यानंद राय अपने भाषणों से ऐसा बता रहे हैं कि जो यादव हैं वह आतंकवादी हैं। तो अब इस बार का जो चुनाव हो गया है वह यादव बनाम बीजेपी हो गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या यादव नित्यानंद राय के इस भाषण के बाद बीजेपी को वोट करेंगे, या मोहतीनगर विधानसभा क्षेत्र में यादव वोट करेंगे बीजेपी को। बहुत देखना दिलचस्प हुआ, क्योंकि सीधा सीधा जो यहाँ पर उंगली उठाया गया है वह यादव के ऊपर उठाया गया, यादव समुदाय के ऊपर उठाया गया है। खुद जबकि नित्यानंद राय की यादव जाति से आते हैं, फिर भी यादव पर उन्होंने उंगली उठाया है, कहा सीधा सीधा आरजेडी को कहा है कि वह आतंकवादी को संगठन देंगे यहाँ बिहार में, जब बिहार में वह चुनाव जीत जाते हैं। तो जो भी आतंकवादी कश्मीर में है, पाकिस्तान से जो कश्मीर के रास्ते आते हैं भारत में, उन सबको पनाह देंगे आरजेडी। तो सीधा सीधा आरोप है कि सारे जो यादव हैं वह आतंकवादी हैं। आतंकवादी कहने का सीधा मतलब है नित्यानंद राय से कि बीजेपी ही एक अच्छी पार्टी, बाद बाकी सारे के सारे आतंकवादी हैं। आरजेडी को आतंकवादी कहना, कहां तक बीजेपी अपने वोट में बदल पाएगी या इससे भारी नुकसान हो सकता है? जैसा कि नित्यानंद राय ने कहा कि आरजेडी यानी कि यादव जाति जो है वह आतंकवादी होते हैं। अगर आप यादव हैं तो आप इस बार मोहती
गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र में, और जहां तक यह वीडियो आप देख रहे हैं इसको करारा जवाब है कि जैसा कि हम वीडियो आपको दिखाए हैं कि नित्यानंद राय किस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर आरजेडी इस बार चुनाव जीतती है तो बिहार में आतंकवादी का राज हो जाएगा, बिहार में पाकिस्तान जैसा शासन होगा, जहां तक नित्यानंद राय का कहना सही है। नित्यानंद राय, अगर आपको ये लगता है तो आप भी आतंकवादी के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आप भी यादव जाति से हैं। सिर्फ आरजेडी को आप जानते हैं, पूरा बिहार के लोग, पूरा भारत का लोग, पूरा दुनिया के लोग जानते हैं कि आरजेडी में सिर्फ यादव जाति के लोग ज्यादा प्रतिशत में इनके प्रत्याशी होते हैं। तो इस कहना सीधा सीधा आपका गलत है कि जो आप कह रहे हैं कि आरजेडी है वह आतंकवादी को संगठन देने का काम करती है। तो आप जो कह रहे हैं सीधा सीधा आरोप है आरजेडी के ऊपर कि यादव जो पार्टी है या आरजेडी का वह आतंकवादी से मिली हुई है, तो सीधा सीधा यहां पर जो संदेशा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो यादव लोग हैं वह आतंकवादी से मिले हुए हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो आतंकवादी के साथ साथ यादव भी, सीधा उनका आरोप था कि जो लालू यादव ने माइक समीकरण स्टार्ट किया था, तो सीधा कहना है कि अगर मुस्लिम अगर आतंकवादी होते हैं यादव भी आतंकवादी, ऐसा नित्यानंद राय का कहना है जैसा कि हम आपको वीडियो दिखाएं। तो सीधा यहां पर आरोप लगा रहे हैं नित्यानंद राय आरजेडी की ओर कि आतंकवादी होते हैं यादव। चलिए अब बढ़ते हैं एक और खबर, जहां जेडीयू के विधायक रह चुके मंजू वर्मा ने भी कहा है कि जो भी मुजफ्फरपुर में कांड हुआ था, बालिका गृह कांड, उसमें सिर्फ यादव ही गलत काम करते हैं। ऐसा देखिए, खुद आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हमसे सवाल कीजिएगा। आप अगर यादव है तो आपका भी खून खोलेगा। देखिए इस वीडियो को पहले का हम लोग किसी को किस प्रकार से मंजू वर्मा कह रहे हैं कि यादव ही गलत काम करते हैं, यादव ही मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में ऐसा घिनौना काम किए। तो अगर आपको अभी तक यादव पर विश्वास नहीं किस प्रकार गलत काम कर सकते हैं यादव, तो इस बार अगर आपको लगता है कि जदयू और बीजेपी मिलकर के सिर्फ यादव जाति को बदनाम करने का काम कर रही है, तो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने जो सामने विधायक होंगे वोट करें और इस बार आरजेडी को मजबूत बनाए, ऐसा कहना है विपक्ष का। अभी जो सत्ता पक्ष में है उनके खिलाफ लगातार महागठबंधन की ओर से आक्रमण होते दिख रहे हैं सारे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर आरजेडी को आतंकवादी और किसी को गलत काम में हाथ देने का मामला उठा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि बालिका गृह कांड में लगातार जदयू के नेता और बीजेपी के नेता का हाथ है, क्योंकि उन दोनों का गठबंधन है। तो जो गलत काम किया गया है वह सीधा और सीधा जदयू पर आरोप है और बीजेपी पर आरोप है। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता, केंद्रीय गृह मंत्री भारत के, ये बोलने में उन्हें गुरेज नहीं हो पा रहा है कि जो आरजेडी अगर जीतेगी तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी उनको संगठन देने का काम करेगी, बिहार की जो सरकार बनेगी आरजेडी की, हुआ तो सीधा उनको ये भी विश्वास है कि इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी, जैसा कि नित्यानंद राय जी ने कहा कि इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी और सरकार बनेगी वो आतंकवादी को संगठन देने का काम करेगी। तो सीधा उनका कहना है कि जो यादव होते हैं वह आतंकवादी होते हैं, तो कहां तक यह बात जाएगी या देखने वाली बात होगी। और मंजू वर्मा ने जिस तरह से कहा कि यादव लोग ही गलत काम करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या यादव गलत होते हैं, यादव ही आतंकवादी होते हैं, या यादव ही यह बालिका मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो सेंटर होम वाला ये कांड हुआ था उसमें यादव लोग थे या मंजू वर्मा के सारे सिपाही थे। अगर यादव भी हैं तो किस पार्टी के हैं, देखना दिलचस्प होगा यह जब इस मुद्दे को और आगे हाईलाइट किया जाएगा। लेकिन यह मुद्दा हाईलाइटेड नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े मीडिया है वो बिकाऊ मीडिया है, किस प्रकार से वो काम करते हैं, किसी एक पार्टी एक विशेष के लिए काम करते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप भी यादव हैं, अगर आपको लगता है कि यादव जैसा कोई ये जाति नहीं है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और कमेंट करें अगर आपको लगता है कि यादव आतंकवादी नहीं होते, जैसा कि नित्यानंद राय ने बोला था कि यादव आतंकवादी होते हैं, आरजेडी अगर चुनाव जीतती है तो आतंकवाद का पनाह देने लगेगी आरजेडी सरकार बनाने के बाद। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह से न्यूज को देखने के लिए, और बेल आइकन का बटन दबाना भूलें ताकि जब भी हम न्यूज डालें आपको मिल जाए। धन्यवाद।